पानीपत का मेन इलाका है और पटना कॉलेज के सामने लगातार जो है छात्र हैं हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। बिहार बचाने का है हाँ। सवाल रेलवे के निजीकरण को रोकने का है हाँ। सवाल बिहार में निलंबित पड़ी तमाम नियुक्ति का है। रेलवे छात्रों ने आंदोलन किया है, हल्ला बोल जिम्मेदार है, लेकिन ना सुने तो आ रहे हैं सरकार हुए आनंद खान सुने तो जारी कर रहे हैं कि जैसा छात्र कहेंगे हम ऐसा करेंगे। सवाल है 2014 से 2022 तक रेलवे ग्रुप टू की कितनी वैकेंसियां निकली। सवाल है उन छात्रों का वैकेंसी नहीं निकलने के कारण उनका उम्र खत्म हो गया, उनकी उम्र का कौन गारंटी लेगा। शिक्षक जो है लगातार कह रहे हैं कि छात्र लोग सड़क पर ना उतरें, उग्र प्रदर्शन ना करें, आंदोलन ना करें, क्योंकि हमारी बातों को मान लिया गया है। कल रात खान सर का भी स्टेटमेंट आता है, उन्होंने भी कहा है कि जो छात्र होंगे वो सड़कों पर नहीं आएंगे। कौन है खान सर? कौन है शिक्षक कोचिंग माफिया? ये सब कोचिंग माफिया है, छात्रों को बरगला रहे हैं। क्या ये कोचिंग माफिया रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसियां नहीं निकल रही थी तब ये सरकार से बात करने गए थे? जब दरोगा में बहाली में धांधली हो रही थी क्या सरकार से बात करने गए थे? गुरु रहमान सर तो आप लोगों के साथ भी हैं, आप लोगों के साथ द्वारा भी कहा जा रहा है कि आंदोलन ना करें और आप लोग Thank you.